हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे एमआर रेडमी नोट 10 में और सैमसंग गैलेक्सी A21s में, और देखते हैं बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात की जाए डिस्प्ले से, एमआई की है 6.43 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल, और इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, और इसमें आपको पंच हुआ डिस्प्ले भी मिल जाती है। और सैमसंग की जो डिस्प्ले है वो है 6.5 इंच की, रेजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल, और इसमें TFT IPS जैसे डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, और डिस्प्ले के मामले में MI बेस्ट है। बात की जाए प्रोसेसर की, MI का है स्नैपड्रैगन का 678 का, CPU है 2.2 GHz ऑक्टा कोर का, और इसमें 11 nm का FinFET, और इसका GPU है 612 का। और सैमसंग का जो प्रोसेसर एक्सनोस का है 850 का, CPU है 2.0 GHz ऑक्टा कोर का, और इसमें 8 nm का FinFET, और इसका GPU है 52 है MC2 का। और बात की जाए बैक कैमरे की, दोनों का क्वाड में है, MI का है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल का, सैमसंग का भी जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, फिर 5 मेगापिक्सल का है, फिर 2 का है, फिर 2 का। और दोनों फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा सेम ही 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और दोनों फ़ोन में आपको बैटरी भी सेम मिलती है, 5000 mAh की मिल जाती है, और दोनों की बैटरी नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और आपको MI में चार्जर मिलता है 33 वाट का, सैमसंग में है 15 वाट का। दोनों ही फ़ोन में आपको टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है, और दोनों ही फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लुक भी मिल जाता है, और दोनों ही फ़ोन में आपको ट्रिपल सिम मिलती है, और दोनों की वारंटी है 1 साल की, और दोनों में कनेक्टिविटी है 3G 4G की, और दोनों फ़ोन में रैम भी सेम है, 4GB और 6GB की मिल जाती है। और MI की जो मेमोरी है वो 64/128 GB की है, और सैमसंग में है 64 GB की, और दोनों में आपको फ्रंट में ग्लास है, और MI में आपको बैक में भी ग्लास मिल जाता है। और बात की जाए प्राइस की, तो MI का स्टार्टिंग है 11,999 रुपये, और सैमसंग का स्टार्टिंग है 14,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई फ़ोन लेना है तो आप MI के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई फ़ोन ले सकते हो।